हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेलेनियम ट्यूटोरियल। अब तक हमने देखा कि कैसे हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वेट्स को यूज़ करते हैं। अब हम फ्लुएंट वेट्स के बारे में देखेंगे। फ्लुएंट वेट्स में एक्सप्लिसिट वेट जैसे ही हम कंडीशन लगाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं। लेट्स से हम फिर से एक क्लास बनाते हैं। इसमें एक मेन मेथड डिफाइन करेंगे, हमेशा की तरह एक ड्राइवर। अभी भी हम क्रोम ड्राइवर को यूज करेंगे। लेट्स से हम रेडिफ मेल पे जा रहे हैं। इंपोर्ट करेंगे इन्हें। इसके बाद एक नया वेट आएगा, फ्लुएंट वेट कहते हैं हम इसे। उसके बाद हम यहां डिसाइड करेंगे कि मेरी पॉलिंग कितनी ड्यूरेशन की होगी। लेट्स से मैं पॉलिंग कह रहा हूं कि 30 सेकेंड्स की होगी। फिर ये होगा कि मेरा टाइम आउट कितनी देर का होगा। लेट्स से ये 150 सेकेंड्स का होगा। यह हमने बताया कि मेरा एक वेट ऑब्जेक्ट है जिस पे मैं फ्लुएंट वेट कर रहा हूँ। फ्लुएंट वेट का मतलब यही है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट को हमने चेक करना है, लेट से हमें एक एलिमेंट हमने फिर से ले लेते हैं, पब्लिक हटा देते हैं। रेडिफ मेल पे जाते हैं, फिर से उसी टेक्स्ट को लेके आते हैं। वेब एलिमेंट को इंपोर्ट करेंगे। उसका नाम देंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो वेट है वो एक एलिमेंट को पोल करे, जैसे हमने एक्सपेक्टेड कंडीशन पहले लगाई थी वैसे ही लगाएंगे। लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये फ्लुएंट वेट है तो ये 30 सेकेंड्स में, हर 30 सेकेंड्स में पोल करेगा। लेट्स से हम इसको छोटा ले लेते हैं, 3 और 15। और क्योंकि ये 3 है और ये 15 है, ट्राई करेगी जो हमारे टाइम आउट वैल्यू हो वो हमेशा पोलिंग फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में हो। तो उसके बाद अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 टाइम आउट आएगा, यानी कि ये 5 बार हर 3 सेकेंड में पोल करके उस एलिमेंट की विजिबिलिटी को चेक करेगा। तो फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इसे। अब इसने ब्राउजर खोला, और यहां पर इसने ब्राउजर को खोलने के बाद वेट किया। और आगे हमने अभी क्लिक दिया नहीं है, तो अभी इसने क्लिक किया नहीं है। तो अब हम यहां पर इसको फिर से एक क्लिक देंगे,
अब यहां पर कोई वेट नहीं होगा, यहां पर सिंपली क्योंकि एलिमेंट मिल रहा है तो सिंपली ये क्लिक हो जाएगा। यह ब्राउजर खुला और इसने यहां पर क्लिक कर दिया बिना वेट किए, जैसे ही पेज लोड खत्म हुआ वहीं पर ब्राउजर क्लिक हो गया। ऐसी अगर मैं गलत दूंगा तो तब भी ये वेट नहीं करेगा, वो उसी टाइम देख लेगा कि क्या वो एलिमेंट है या नहीं है और आपको एक्सेप्शन दे देगा। यहां पर ये पेज लोड हो रहा है, जैसे ही पेज लोड होगा वैसे ही यहां पर एक्सेप्शन आ जाएगी। पेज लोड खत्म हुआ, यहां एक्सेप्शन आ गई। तो अब एक्सप्लिसिट वेट के केस में ऐसा होता, इम्प्लिसिट वेट के केस में ऐसा नहीं होता है, बट ये फ्लुएंट वेट एक्जैक्टली एक्सप्लिसिट वेट जैसा लग रहा है, एक्सेप्ट कि यहां पर पोलिंग फ्रीक्वेंसी है। तो यहां पर इसका जो बेस्ट यूज है वो उस एलिमेंट के लिए है जो एलिमेंट विजिबल ही 2-3 सेकेंड या कुछ टाइम के बाद होता है, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट था वो सेम टाइम पे विजिबल हो रहा था। मान लो कि यहां पर वेबसाइट चेंज करते हैं, ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, लेट्स से ये मेरे एलिमेंट्स हैं, और अगर मैं यहां देखूं तो ये मेरा उनका एक्सपाथ हो गया। ऐसे ये एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट्स है ये कभी कभी विजिबल है, या फिर ये एलिमेंट जो है इसको क्लिक करने के बाद पेज चेंज हो रहा है। तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम सिंपल ये वाले एलिमेंट्स पे रहेंगे जो मेरे कभी कभी विजिबल है। एक बारी उसका एक्सपाथ लेते हैं और यहां पर वेट करा के उनका टेक्स्ट प्रिंट कराएंगे हम लोग। वेबसाइट चेंज करेंगे, यहां वेबसाइट चेंज हो गई, फिर इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये ब्राउजर खुल रहा है, सॉरी आई थिंक यहां पर https आएगा, तो हमने इसको http के साथ फिर से एग्जीक्यूट किया, पुराना ब्राउजर क्लोज कर देते हैं। तो अभी यहां पर टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है, अभी पेज लोड होगा, पेज लोड हो गया लेकिन अभी भी वो उस एलिमेंट का वेट करेगा और उसके बाद उसको टेक्स्ट को प्रिंट करवाएगा। तो हम वेट करेंगे, यहां पर उसने टाइम आउट एक्सेप्शन दे दी, मतलब कि इतने टाइम तक उसके पास कोई वो नहीं आया। उस टाइम आउट को हम बढ़ा के फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, पुराने वाले ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल नहीं हुआ उतने टाइम पीरियड में, तो आपको टाइम आउट बढ़ानी पड़ेगी, और आपको आप अगर चाहे तो पोलिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि वो कितनी देर बाद विजिबल होने वाला है, तो लेट्स से वो आपको पता है कि 10 सेकंड में वो विजिबल होगा, तो आप 10 सेकंड बाद पोलिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। अब यहां पर देखिए, हमने यहां पर टेक्स्ट प्रिंट कर लिया उतनी देर वेट करने के बाद, क्योंकि हमने टाइम आउट बढ़ा दिया था, तो वो टाइम आउट वैल्यू जो है लेट्स से 15 सेकंड थी हमारी, लेकिन यहां पर मैंने 3 सेकंड पोलिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, तो वो पोल तो हर 3 सेकंड में कर रहा था लेकिन टाइम आउट मेरा 15 सेकंड था, और 15 सेकंड में वो एलिमेंट आया ही नहीं। और उसके बाद मान लो कि मैंने उसको 150 कर दिया, जो बहुत ज्यादा टाइम आउट वैल्यू है, आप इसको 30 कुछ भी कर सकते थे, जस्ट बीइंग ऑन सेफर साइड आपको दिखाने के लिए मैंने 150 कर दिया। और जब इसको 150 कर दिया
और एग्जीक्यूट किया तो टेक्स्ट हमारा विजिबल हो गया, क्योंकि ये जो टाइम आउट था, जो पॉलिंग फ्रीक्वेंसी थी, वो तो हर 30 सेकंड में पोल कर रहा था, लेकिन कितनी बारी पोल करना था, पहले वो 5 बारी कर रहा था, तो अब वो 50 बारी कर रहा था, तो 50 बारी में उसको 8वीं या 10वीं बार लेट से वो एलिमेंट मिल गया और उसने उस टेक्स्ट को प्रिंट कर दिया। तो फ्लुएंट वेट इसलिए काम आता है जब आपका कोई भी एलिमेंट थोड़ी टाइम बाद विजिबल होने वाला हो, तो आप उसकी एक वैल्यू देते हैं जो पोलिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस पोलिंग फ्रीक्वेंसी से अगर हम जब भी वैल्यू देंगे तो उतनी टाइम बाद वो एलिमेंट को जाके चेक करेगा, फिर हम एक टाइम आउट वैल्यू देंगे, उस टाइम आउट वैल्यू के बाद वो बाहर आ जाएगा। अगर आप टाइम आउट वैल्यू नहीं देंगे तो वो हमेशा वो पोल करता रहेगा, वो फॉर एवर पोल में चला जाएगा, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर वो एलिमेंट कभी नहीं मिलता तो आपकी स्क्रिप्ट कभी भी एंड नहीं होगी। इसके अलावा आप एक और लगा सकते हैं इग्नोर, और कुछ भी आप एक्सेप्शन जैसे कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आप ये भी डाल सकते हैं इसमें, तो आपको अगर इग्नोर करनी है ये वाली एक्सेप्शन, अगर ये वाली आ रही है तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं, ये भी फ्लुएंट वेट का फीचर है। तो हमने तीनों टाइप के वेट के साथ एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझ लिया, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।